जी, मैं MP छिंदवाड़ा ज़िले से आई हूँ। मेरा नाम अनीता यादव है और मेरे हस्बैंड का नाम राजेश यादव है। जिनके सिर में गठा आ गई थी, तो उनके ऑपरेशन के लिए हम वपाड़ हॉस्पिटल आए। वहाँ हम डॉक्टर राहुल झामर सर से मिले। उन्होंने उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया और वो सक्सेस भी रहा। तो मैं डॉक्टर राहुल सर से यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। वो हमारे लिए वही हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड को नई जिंदगी दी। और सारे स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी सेवा की। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल झामड़ू, वकाड़ हॉस्पिटल नागपुर में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। ये पेशेंट हमारे पास एक तरफ की कमजोरी और बार बार आ रहे झटकों के कारण आए थे। हमने इनका MRI कराया था जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर निकला था जिसका नाम मेनिंजियोमा है। ये पेशेंट को समझाया गया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है और इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान हम ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल पाए और ऑपरेशन के बाद पेशेंट की कमजोरी में इम्प्रूवमेंट आया। पेशेंट पोस्ट ऑप रिकवरी में भी अच्छे से निकल गए और कोई तकलीफ नहीं हुई। मेनिंजियोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो किसी को भी हो सकता है, मेनली जिसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक मेजर कॉज है। मेनिंजियोमा अगर रहे और समय रहते अगर पेशेंट को इस तरह की दिक्कतें हों जैसे झटके आना, हाथ पैर में कमजोरी आना, मेमोरी डिस्टर्बेंसेज होना, तो बिल्कुल अपने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये ट्यूमर्स या ब्रेन के कोई भी ट्यूमर्स कम्प्लीटली रिमूवेबल है और इनकी रिकवरी रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो तो तुरंत ही अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस चीज़ का इलाज करवाएं। धन्यवाद।